अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, रॉयल जायका बाय तस्लीम में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्रिफल डिलाइट। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके लिए जेली रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल जेली यूज़ की है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। इसके अंदर दो पैकेट होते हैं। ये दोनों पैकेट के इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे ही ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी लिया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस जेली को अब हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे फ्रिज में सेट होने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जेली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये एक क्यूब के फॉर्म में आ चुकी है। अब हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ बोल दूध में 3 से 4 चम्मच भर के वेनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आधा लीटर दूध लेंगे, उसे अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। उसमें हम हाफ बोल शक्कर ऐड करेंगे। दूध को हमें अच्छी तरीके से हिलाते रहना पड़ेगा जब तक कि सारी शक्कर अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के बादाम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कस्टर्ड का टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। दूध और कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे। इसे हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक हिलाते रहना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो जाती। सो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एप्पल और बनाना यूज़ किया है। बनाना और एप्पल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। बनाना और एप्पल को हम कस्टर्ड में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आइए अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया है। चॉकलेट सॉस को हमें चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेना है। अब हम इसमें हमारा रेडी किया हुआ कस्टर्ड ऐड करेंगे। सेकेंड लेयर हम इसके ऊपर जेली की लगाएंगे। मैंने 2 टाइप की जेली रेडी की है, एक पाइनएप्पल जेली और एक स्ट्रॉबेरी जेली, वो इसके ऊपर डालेंगे। आप अगर चाहें तो आपके पसंद की कोई भी जेली क्रिस्टल्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। थर्ड लेयर जो होगी वो वेनीला आइसक्रीम की होगी। वेनीला आइसक्रीम को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल करेंगे। फिर से हम सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे, कस्टर्ड ऐड करेंगे। जेलीज ऐड करेंगे। वेनिला आइसक्रीम जाएगी इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो वेनिला आइसक्रीम की जगह पर व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। फाइनली फिर से चॉकलेट सॉस ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्रिफल डिलाइट बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये एक बहुत ही यमी सा डिज़र्ट है। इस खूबसूरत सी डिज़र्ट रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है।
फ्रेंड्स, मैंने इस फ्रूट कस्टर्ड ट्रिफल डिलाइट को दो तरीके से डेकोरेट किया है। अगर ये स्वीट डिजर्ट रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।